इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से। आने वाले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ही बीजेपी की अगुवाई करेंगे, यानी कि अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि 2020 के शुरुआत तक बीजेपी नए अध्यक्ष का नाम तय कर लेगी, लेकिन उससे पहले अमित शाह के हाथों में ही बीजेपी की कमान रहेगी, यानी कि अगले 6 और महीने तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ही रहेंगे। वो अमित शाह जिन्होंने 2 बार यानी कि 2014-2019 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाई है। गृह मंत्री अमित शाह अभी कम से कम अगले 6 महीने और बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इस दौरान पार्टी के आंतरिक चुनाव होंगे, बीजेपी तत्काल नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ। हिमांशु, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे वजह क्या है? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक रणनीति तो ये भी है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, और ऐसे में अगर कोई नया अध्यक्ष आता है तो उसको संगठन की दृष्टि से पूरे बदलाव करने होंगे, और इसीलिए अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी जो है इन तीनों राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव डालना चाहती है। दूसरी चीज यह है कि संगठन के चुनाव होने हैं, आज बीजेपी ने जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, तो अगले 2 महीने तक जो है सदस्यता अभियान चलेगा और उसके बाद जो है पूरे देश भर में बीजेपी के संगठन के चुनाव होंगे सभी राज्यों के अंदर, और बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव या उनको नॉमिनेट करने के लिए 50% से ज्यादा जो है प्रदेशों के अंदर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप नया अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में 50% चुनाव होने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है, और इसीलिए इन तीन राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह को अभी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बीच में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाकर ये मैसेज दे दिया जाएगा कि पार्टी की तरफ से अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। लेकिन अमित शाह के हाथ में अगले 6 महीने तक पार्टी की कमान रहनी है। अमित शाह को अध्यक्ष इसलिए भी छोड़ना पड़ेगा 6 महीने बाद, क्योंकि पार्टी के अंदर एक संविधान है, परंपरा भी है कि एक व्यक्ति एक पद पर, तो अगर अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं तो उनको अगले 6 महीने के लिए जो है बाद उनको पार्टी का अध्यक्ष छोड़ना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद।